देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं दीपा। स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे ने ऑनलाइन माध्यम से एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। आज भागलपुर के बंसी टीकर में एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल का ग्रैंड ओपनिंग किया गया, जिसकी शुरुआत भागलपुर सांसद अजय मंडल जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गोपाल मिश्रा सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा डॉक्टर संजय सिंह डॉक्टर अजय सिंह डॉक्टर सत्येंद्र कुमार डॉक्टर डीपी सिंह पूर्व प्रत्याशी अमर कुशवाहा रामाशीष सिंह के अलावा शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। एबीसी हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे ने ऑनलाइन के माध्यम से करते हुए अपने संशोधन में कहा कि इस हॉस्पिटल में आधुनिक एवं सस्ता इलाज होगा, यह मानवता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल यहाँ खोलने से काफी लोगों को स्वास्थ्य लाभ सस्ते और अच्छे कुशल डॉक्टरों की द्वारा किया जाएगा। यहाँ गरीबों को एवं महिलाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी, जो यहाँ की विशेषता है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस हॉस्पिटल में 24 घंटे सुविधाएं लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ फौजी और विधवा महिलाओं और दुर्घटना हुए लोगों को विशेष छूट दी जाएगी। यह हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ चिकित्सकों की टीम और नर्स लोगों की सुविधाओं में 24 घंटे लगे रहेंगे। भागलपुर से सत्यपाल सिंह की रिपोर्ट। या इस अस्पताल का ऐसा नाम है एबीसी एडवांस बर्ची। हम लोगों का सारा स्पेशलिटी है, यहाँ तक कि सुपर स्पेशलिटी नहीं है। चाहे वो एक चाइल्ड का आईसीयू हो जो अभी भागलपुर में कहीं भी अच्छे से नहीं लग रहा था, या बड़े लोगों का आईसीयू है, डायलिसिस है, ऑर्थो है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, सारे सुविधा रहेंगे, महिला के लिए भी रहेंगे। लेकिन अपने नाम के अनुरूप हम लोग उत्कृष्टता बनाते हुए इसको सस्ता से सस्ता कोशिश करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ खर्च तो होगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल बदनाम हो रहा है उस बदनामी को कम करने का हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम में यहाँ इलाज हो जाए। हम लोग को कई सुविधा हम लोग को दे रहा है। सबसे पहले मैं वृद्ध जनों के लिए बात करूं, वृद्ध जन जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, बंगलोर में रहते हैं, ऐसे लोग रात में यदि किसी को कोई घटना होती है वो हताश हो जाते हैं। हम लोग सबका नंबर पहले से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाए अस्पताल पहुँचाएंगे। सेना के जवानों को 20%, पुलिस के जवानों को 15%, विधवा को हम लोग 50% पर इलाज करेंगे। और इसी तरह से प्रतिष्ठा, कई बार विधवा नहीं होती है लेकिन उसको पति छोड़ देता है, उसको हम लोग 20% का इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह से और एक्सीडेंट वाले को विशेष करके हम लोग 10% छूट दे रहे हैं। और जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए रहेंगे उनका दुर्घटना होने पर उनको 20% की, इस तरह का ये सुविधा है जो कई समूह में हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावे भी हम लोग आईसीयू का चार्ज जितना कम हो सकता है। देखिए मैं 2 मिनट और समय लूंगा। कोरोना काल में जिस तरह से हॉस्पिटल और एम्बुलेंस के नाम पर लूट मची, लोगों का आर्थिक दोहन हुआ, मानसिक दोहन हुआ, इस वजह से हम लोग भाव विह्वल हो गए। इसी चीज में हम डॉक्टर अजय सिंह एवं सांत्वना तीनों मिलकर के ये निर्णय लिए हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां सारी सुविधाएं होंगी लेकिन हम रेट कम लेंगे। गरीब से गरीब जनता भी अभी इच्छा यही है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊं और वो हमारे हॉस्पिटल में सहज इलाज करा के यहाँ से जा सके, यही हमारी इच्छा है। इस हॉस्पिटल का खोलने के पीछे यही मेरी मंशा है। साथ ही हमारा हॉस्पिटल का नाम ही है एडवांस बर्ची, मतलब एडवांस सुविधा के साथ साथ हम सस्ता इलाज करेंगे। और हमारा पंच लाइन है ए स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता की ओर एक कदम।